दोस्तों आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कोर नेटवर्क में बहुत सारे फेक प्रोजेक्ट आते हैं। हम ऑलरेडी माइनिंग कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे एयरड्रॉप्स के रिगार्डिंग फेक प्रोजेक्ट आते हैं, तो उनको हम कैसे चेक कर पाएं कि ये फेक प्रोजेक्ट है या रियल प्रोजेक्ट है। तो इसका आप देखेंगे कोर की तरफ से बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पे आंसर प्रोवाइड किया गया है और बहुत सारे न्यू अपडेट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये जो अपडेट्स यहाँ पे न्यू हैं इनका अनाउंसमेंट हम आप सभी के सामने करेंगे, और जो भी यहाँ पे आप सभी फेक यानी कोई भी आपको फेक प्रोजेक्ट दिखाता है तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसका अभी अपडेट आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं सीधे टॉपिक पर, समझते हैं कि अपडेट क्या है। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक्निकल आलोक में। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, फटाफट से कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए। भी प्रोजेक्ट आता है तो हम लोगों को पहले ही यानी जैसे ही आता है उसके कुछ समय बाद ही पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके का है। 24 घंटे में आप देखेंगे कोर की तरफ से तीन बड़े अपडेट प्रोवाइड किए गए हैं, और ये तीन अपडेट अगर आप इनके ट्विटर हैंडल से आते हैं तो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों की रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो दो बड़े अपडेट्स यहाँ पे देखने को सबसे बड़े मिलेंगे। एक तो ये है कि फेक प्रोजेक्ट को आप चेक कर सकते हैं आराम से, ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आराम से आपको जाना है, स्क्रीनशॉट सेंड करना है और आपको चेक हो जाएगा कि यह प्रोजेक्ट फेक है या नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पे जो अनाउंसमेंट मैन है वो आप देखिए। कोर की तरफ से यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। कोर इज ए परमिशनलेस लेयर वन ब्लॉकचेन वेयर एनीवन कैन बिल्ड वेड एक्टर कैन ट्राई फॉर टेक एडवांटेज ऑफ इट सो ऑर्डर फॉर प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और यहाँ पे बताया गया है कि हमने एक ऐसा चैनल क्रिएट किया है। यहाँ पे आप देखेंगे देयर चैनल इज कोड आउट डिस्कॉर्ड, यानी डिस्कॉर्ड पे एक चैनल क्रिएट किया है। अगर आपका कोई भी यहाँ पे प्रोजेक्ट है और आप उसको चेक कराना चाहते हैं कि किस तरीके का है, तो आप यहाँ पे चैट कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट को चेक करा सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, आराम से जाकर के आप इसको चेक कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें डेफी 2.0 का एयरड्रॉप चल रहा है। 27 अक्टूबर यहाँ पे लास्ट है, उससे पहले आप कर लीजिए। लिंक वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वीडियो को देख करके ही आपको वहां पे पार्टिसिपेट करना है। सारा कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाइए फास्ट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा दो लोगों को ही इनवाइट कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट डे इनवाइट कर सकते हैं। उसका प्रोसेस बहुत ही हार्ड है लेकिन प्रोजेक्ट एक अच्छा है, और 3% एयरड्रॉप अर्ली एडॉप्टर्स के लिए रखा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये इनका हैंडल है, और उस लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये बताया गया है, ये वाला अगर आप देखते हैं तो इसको भी यहाँ पे बैड बताया गया है, यानी एक तरीके से ये खतरनाक है। तो इस पर कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो आपको ट्रस्ट नहीं करना है, इस तरीके का यहाँ पे है। दूसरा अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है, ये आप देखेंगे डॉक्यूमेंट कोर, तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसको भी हम यहाँ पे छोड़ते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रोजेक्ट यहाँ पे आप देखिए, ये आपको देखने को मिलता है कोर डाउ वॉलेट, ठीक है। इसको पूरी तरीके से स्कैम बताया गया है, स्कैम अलर्ट, अगर कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करता है तो वो आपकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फेक है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोर का नंबर नहीं आता है, यानी के कोर का नंबर नहीं आता, उसका भी नंबर आता है, लेकिन उसका नंबर बहुत ही बाद में कवर किया गया है जब यहाँ पे सारा कुछ हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक और ट्विटर हैंडल आपको देखने को मिलता है, ये भी यहाँ पे स्कैम अलर्ट के रिगार्डिंग बताया गया है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे जो हैंडल्स हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे आते जाएंगे तो सारे प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे स्कैम बताए गए हैं। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्कैम नहीं बताया गया है, और उनको बताया गया है कि फ्यूचर में जाकर कि ये किस तरीके का यहाँ पे जो प्रोग्रेस है वो करते हैं, तो उस तरीके से आपको रिसर्च करनी है उन प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो उन प्रोजेक्ट पे आप आधा आधा ट्रस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट जैसे फ्यूचरिस्टिक स्वैप है, तो फ्यूचरिस्टिक स्वैप के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इनकी तरफ से प्रोवाइड भी किया गया है अपडेट। यहाँ पे आप देखेंगे केक कोर को पूरी तरीके से यहाँ पे स्कैम बताया गया है, ये आप देख सकते हैं, और ये 24 सितंबर को अनाउंसमेंट किया गया है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। और अभी जब आप यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा केक कोर की तरफ से कहा गया था कि अक्टूबर में हम जाकर के सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टिंग वगैरह करेंगे, लेकिन आज तक उसका कोई भी यहाँ पे अपडेट देखने को हम लोगों को नहीं मिला है। तो यहाँ पे जो बताया गया है वही सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक स्वैप है उनका जो सेलिंग प्राइस था यानी प्राइवेट सेल, उसको लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपडेट प्रोवाइड किया गया है। और इसमें बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट पे आप अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद जो भी आप करना चाहते हैं वो कीजिए, यहाँ पे इनकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ना ही इनकी तरफ से कहा गया है कि इन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया है। लेकिन अगर फ्यूचरिस्टिक स्वैप की माने तो उनकी तरफ से कहा गया कि ऑलरेडी हमने डॉक्यूमेंट इनको सबमिट किया है, ये जैसे ही वेरीफाई कर लेते हैं तो ये आपका सारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि क्या रिप्लाई यहाँ पे निकल के आता है। अब हम आपको एक न्यू प्रोजेक्ट जो हम बता रहे थे उसके बारे में फिर से जानकारी प्रोवाइड कर दें। सतोशी कोर में जल्द ही आपको एक और प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है, और ये प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट किस तरीके का होगा, यानी ये भी माइनिंग प्रोजेक्ट ही होगा। जैसे ये वाला प्रोजेक्ट जो आप ओपन एक्स का माइनिंग कर रहे हैं, इसी तरीके का नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा जिसको आप फ्री में माइन कर पाएंगे। ये प्रोजेक्ट ऐसा तो है ना किसी साइट पे देखने को मिलेगा, यानी ये नहीं कि एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ रिसर्च वगैरह करेंगे तो आपको इस तरीके के जो यहाँ पे संकेत हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो वेट कीजिए, जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट आता है उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। जो लोग माइनिंग कर रहे हैं ऑलरेडी आप माइनिंग करते रहिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। प्रोजेक्ट को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है और इसका भी लिंक दे दिया है। अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि बिना वीडियो देखे आप इसको ज्वाइन मत कीजिए। अगर आप वीडियो देख के ज्वाइन करेंगे तो जो इसके प्रोसेस हैं वही आपको सारे कुछ उसमें देखने को मिल जाते हैं सही तरीके से। बहुत सारे लोगों ने वीडियो तो प्रोवाइड किया है लेकिन वीडियो में जो जानकारी प्रोवाइड की है वो अलग से जानकारी प्रोवाइड की है। यहाँ पे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कैसे करना है सही तरीके से वो जानकारी प्रोवाइड नहीं की है। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पर डे पॉइंट भी क्लेम करते रहना है, ये जो आपको मिलता है इसी पे आपको आना है। यहाँ पे आपको कुछ एक्सपी वगैरह शो होते हैं इस तरीके का, आप देख सकते हैं। तो इन पे ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है एक्सपी क्लेम करने का ऑप्शन। तो ये आपको क्लेम करते रहना है। जितने ज्यादा आपके पास एक्सपी होंगे उतनी आपकी रैंकिंग ऊपर आएगी और उतने ज्यादा एयरड्रॉप के आप हकदार होंगे। यहाँ पे आप देखिए ये आपको मिलता है एक्सपी वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपके एक्सपी कलेक्ट होते रहते हैं। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा आप दो लोगों को ही रेफर कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वीडियो है मैंने प्रोवाइड कर दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला वीडियो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बता दूं इसकी जो लास्ट डेट है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, 27 सितंबर, यहाँ पे 27 अक्टूबर रखी गई है। बी आर रिमेनिंग यू दैट ऑन फ्राइडे 27th द अर्ली अडोप्टर प्रोग्राम विल बी कम द एंड, यानी 27 के बाद यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाएगा। अभी कोई भी आपको ट्रांजेक्शन वगैरह भी नहीं देना पड़ रहा है, फीस वगैरह फ्री में आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो फटाफट से ज्वाइन कीजिए और आराम से इसके एक्सपी जो पॉइंट है वो क्लेम करते रहिए। अब आपके कोई डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप हमें बता सकते हैं। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे कोई गलती हो जाती है छोटा भाई समझ के माफ कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।